Hello friends, good morning. You are watching SMS India and my name is Sandeep. And today we are going to discuss about the digital marketing tips for 2019. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे एक अगेन स्लाइड बनाया है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जॉब्स के बारे में, इसके स्कोप के बारे में. तो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से हैं, आपको अच्छा लगता है इसमें काम करना, तो आई थिंक ये आपको काफ़ी मदद देने वाली है ये स्लाइड. तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं. ये तो मेरी पहली स्लाइड है. दूसरी स्लाइड पे मैं आता हूँ. व्हाट इज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया? स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इज़ वेरी हाई ड्यू टू द इंटरनेट रेवोल्यूशन सिंस लास्ट टू ईयर्स सब्सटेंशियल ग्रोथ इन द इंटरनेट यूजर. यस, अभी जो आप यहाँ पे एक चार्ट भी देख सकते हैं और जिस तरीके से अभी इंटरनेट की जो ग्रोथ हुई है, जिस तरह से इंटरनेट यूजर्स का बेस बढ़ा हुआ है, हर किसी के हाथ में इंटरनेट ईजिली अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग इसको बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है. एज पर द ऑनलाइन वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स, इन 2019 इंटरनेट यूजर विल बी 407 मिलियन. मतलब 2019 तक 407 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे और 2022 तक 511 मिलियन. एंड नाउडेज इंटरनेट इजीली अवेलेबल, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, चाहे ए क्लास सिटी हो, चाहे वो बी क्लास सिटी हो, सी क्लास सिटी हो, आप किसी भी जगह जाएंगे, इवन विलेज पे जाएंगे, रिमोट लोकेशन में चले जाएंगे, आपको इंटरनेट इजीली अवेलेबल मिल जाएगा. तो इसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है. मतलब आप अगर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को रखते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो अभी हम मूव ऑन करते हैं थर्ड स्लाइड पे. अब जैसे कि इंटरनेट इजीली अवेलेबल है हर कोने कोने में देश के, तो जो बी क्लास, जो बिग और या आप बोलते हैं ना SME और SME होते हैं, बिग एंटरप्राइज पैनल हो गए या स्मॉल हो गए या मीडियम साइज बिजनेसेस हो गए, ये सब लोग फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन सेल्स पर. चाहे तो वो ऐप के थ्रू कर रहे हैं या वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, बट मैक्सिमम बिजनेस अभी कवर अप हो रहा है ऑनलाइन. इवन आप ऑनलाइन में अगर हम बात करें तो जो भी फूड से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, आप देखिए काफ़ी अच्छे ऑफर चलते हैं. आप 10 रुपये तक की चीज़ उसके अंदर मांगा सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सेल हो रहा है. मतलब एक सिंगल पीस भी अगर आपको मिठाई का चाहिए तो वो भी इजीली अवेलेबल है और 24/7 मिल रहा है. कहीं पे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑफर चल रहा है. तो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो या मीडियम हो, सब लोग वो ऑनलाइन पे ही फोकस कर रहे हैं. इस पर क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंटरनेट बेस बढ़ गया है. अभी जो कंपनियां, अगर देखा जाए कि जो पहले एक पर्टिकुलर पार्ट ही स्पेंड करती थी प्रमोशन के लिए, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन ऑनलाइन प्रमोशन. सबसे ज़्यादा अभी ऑनलाइन प्रमोशन में पैसा खर्च हो रहा है. ठीक है, अब ये सब पैसा खर्च हो रहा है तो इसको मैनेज कौन करेगा? डेफिनेटली इन सबको मैनेज करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स चाहिए. डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जो काम करते हैं, वो लोग चाहिए. ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है आने वाले कुछ टाइम तक. ठीक है, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं और इस पे मैंने कुछ बनाया है कि व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल राइट नाउ. तो कुछ लोग फेसबुक पे ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलाते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है. एक बहुत बड़ा मार्केट है SMS एंड ईमेल मार्केटिंग का, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे. अगर आपने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट smsindiahub.in पे जाके देख सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग इन टू इट. देन गूगल एडवर्ड्स, अगर आपको गूगल पे कोई ऐड चलाना तो यू नीड टू चूज गूगल एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म. तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी. देन है मार्केटिंग वाया SEO. अगर आपको आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, आपकी विजिबिलिटी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आ जाए इंटरनेट पे तो वो बहुत अच्छी बात है. तो उसके लिए SEO करना होगा. तो अगर आप इस फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में, तो इसमें बहुत अच्छा जॉब्स अवेलेबिलिटी है या सैलरी काफ़ी अच्छी है. कंटेंट मार्केटिंग अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर आप अच्छे खासे कंटेंट राइटर हैं तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं. अच्छे अच्छे कंटेंट आप लिख सकते हैं, जिसको जैसे कि आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर बहुत अच्छा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं.
वाई डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट का पोटेंशियल ग्रोथ हुई है और अभी कंपनियां मैक्सिमम पैसा डिजिटल मार्केटिंग पे लगा रही हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जैसे कि एड्स की जो कैंपेन चल रही है उसको कौन मैनेज करेगा, अलग अलग तरह की कैंपेन चल रही है, चाहे वो फेसबुक की कैंपेन हो, चाहे वो ट्विटर की कैंपेन हो, चाहे वो SMS से रिलेटेड कोई कैंपेन हो, उन सबका प्रमोशन किस तरह से हो, बजट मेंटेन करना है, आपको एरिया वाइज अगर टारगेट करना है तो कैसे करोगे, एज वाइज टारगेट करना तो कैसे करोगे, पर्टिकुलर लोकेलिटी को टारगेट करना तो कैसे करोगे, तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और ये जो प्लेटफॉर्म है आने वाले टाइम में और ज़्यादा बूम करेगा, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन होते जाएंगे, ये और ज़्यादा डिमांडिंग होता जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू कैन गेट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो जैसे कि मैंने कुछ शॉर्ट की हैं कुछ जॉब, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आप काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं आप, अगर आप SEO जानते हैं तो SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं, गूगल के बारे में अगर आप एक्सपर्ट है, गूगल एडवर्ड्स तो ये तो बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा हुआ है, तो अगर आप इसमें अगर एक्सपर्ट है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जॉब पा सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अगर हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग हो गया, SMS मार्केटिंग हो गया, वेब एक्सपर्टीज अगर आपके पास है तो भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना है, ब्रांड प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है और स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉब्स तो बहुत अच्छी हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छी एक स्लाइड बनाई है, वो आपको आने वाली स्लाइड्स में कवर करके दिखाऊंगा। तो ये तो जॉब की बात हो गई, अपार्ट फ्रॉम द जॉब अगर आप यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर और यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए कि आप प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हैं। अब अफिलेट मार्केटिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो अफिलेट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अफिलेट मार्केटिंग में छोटा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपने किसी कंपनी से आप जुड़ते हैं और उनके थ्रू आपको एक लिंक क्रिएट होती है, एक लिंक मिलती है, और उस पर्टिकुलर लिंक से अगर बिजनेस जनरेट होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो ये अफिलेट मार्केटिंग होती है। उसके उस पर्टिकुलर बिजनेस पे आपको कुछ रेवेन्यू शेयर होता है, प्रॉफिट शेयर होता है। फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप कर सकते हैं, आप अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप यूट्यूबर बन सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, हु कैन डू, सो ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप फ्री टाइम मिलता तो आप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर है, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बार नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग ही करेंगे, नहीं, कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है आपके अंदर, आपको पैशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप कर सकते हैं, कोई आपके लिए बार नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आपका अगर आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट यू नीड टू डू, सो यू नीड टू लर्न ऑल द एक्सपर्टीज, you have to work on your own projects or you can work as a freelancer to gain the knowledge. ek to ye part ho gaya, ye aap kar sakte hain, aapko knowledge milega, then aap job ke liye apply kar sakte hain. agar aapko thoda bahut bhi knowledge hai aap kisi bhi company mein join kar sakte hain, you can join any company and do not worry about the salary. salary ke bare mein mat sochiye, sirf knowledge gain kariye. और साइड बाई साइड आप अपना खुद का एक ब्लॉग रन कर सकते हैं, या कि यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, एक फेसबुक पेज बना सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू शो योर एक्सपर्टीज व्हेन यू विल गो टू द इंटरव्यू. मतलब आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली छोटी सी, कुछ सैलरी के बारे में मत सोचिए, आप सब ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके बाद आप इसके साथ साथ में आप अपना खुद का एक ब्लॉग चैनल ब्लॉग बना लीजिए, या एक आपका यूट्यूब चैनल बना लीजिए, एक फेसबुक पेज बना लीजिए, और वहाँ पे काम करिए, उस पे आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, उस पे अपनी पोस्ट को रैंक कराइए अच्छी तरीके से, आपके चैनल को बढ़ाइए, फेसबुक पेज के सब्सक्राइबर लाइए. तो जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी दूसरी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जब आप ये सब चीज़ें दिखाएंगे तो आपको फिर अपने आप जॉब मिल जाएगी, अपने आप अच्छी सैलरी मिलेगी. ठीक है, अब मैं इस स्लाइड की बात कर रहा था जॉब्स एंड सैलरी. तो ये एक वेबसाइट है Quora.com, एज पर द वेरी रेपुटेड वेबसाइट Quora, नंबर्स ऑफ जॉब्स एंड सैलरीज आर गिवन बिलो, यू कैन ऑल्सो रेफर द URL. ये URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा. तो ये वहाँ पे मेरे को ये कुछ मिला है, तो ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट मार्केटिंग है, ये अलग अलग वेबसाइट
का एक दिया है कि किसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखिए जॉब्स तो काफ़ी सारे अवेलेबल, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप देखेंगे तो 1 लाख भी क्रॉस कर रहे हैं, SEO में भी 1 लाख से ऊपर ज़्यादा जा रही हैं। तो ये सारी जॉब्स, इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और इसके हिसाब से आप इस वाले कॉलम में सैलरी देख सकते हैं। मिनिमम सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 तो है ही, और इसके बाद तो फिर देख ही रहे हैं कि 45,000 लिखा है, 35,000 लिखा है, 18,000 लिखा है, 1 लाख है, 1.5 लाख से। तो जॉब्स एंड सैलरी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए तो अपने आप आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप हमारी लोकेलिटी में हैं, भोपाल के आसपास हैं, तो वी आर ऑल्सो रनिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, अगर आपको सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है और लाइव डेमो किया जाएगा, लाइव चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी क्योंकि हम लोग भी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो अगर आप भोपाल के आसपास हैं तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करिए। आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी कमेंट्स में छोड़िए, हमारे यहाँ के जो जो काउंसलर वगैरह हैं वो आपसे कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।